तो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए फ्रेश वीडियो में। दोस्तों, सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ओसमोस के इंटरनेशनल प्लान के कुछ बड़े डाउट्स थे जिनको मैंने क्लियर किया था। बेसिकली उसमें मैंने बताया था कि आपको कैसे अपने अकाउंट का फंड ट्रांसफ़र करना, जिनके ज़्यादा फंड में आ गए उनको किसी अदर आपको आईडी में ट्रांसफ़र करना वो बताया था। सेकंड चीज़ आपको बताया था मैंने कैसे विड्रॉल करना है, और थर्ड बात मैंने बताया था कि OSM वॉलेट का पैसे को आपको कैसे यूज करना है। तो अगर ये आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में मिल जाएगा, जाइए और वीडियो देखिए और हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। उसमें मैंने एक चीज़ ये भी बताया था कि उसमें आपको इंटरनेशनल प्लान में आपको विड्रॉल लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा वजीरेक्स या फिर कॉइन स्विच का। तो आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट किया कि सर वो कैसे यूज करते हैं उसका बताइए, कैसे KYC करते हैं वो बताइए। तो आज अभी का वीडियो मैं उसी टॉपिक पर लाया हूँ, वजीरेक्स का आपको टोटल बताऊँगा, कैसे इसमें KYC करना है, कैसे लॉगिन करना है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर हर दिन अपडेट देते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर प्ले स्टोर से वजीरेक्स को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हैं इसके लोगों को जिस तरह आपको मिलेगा, इसके बाद आपको यहाँ पर टैप करना है। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। यहाँ आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, आपको इसके बाद करना है कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर कोने में यहाँ पर मार्क बना हुआ है, पर्सन का और सेटिंग का मार्क बना हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है लॉगिन और साइन अप, ठीक है। तो लॉगिन बेसिकली उनके लिए जिन्होंने पहले से साइन अप करके रखा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं फ्रेश आईडी बनाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं क्या करता हूँ साइन अप करता हूँ, ठीक है। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे साइन अप पे हमको क्लिक करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपके लिए यहाँ पर तीन ऑप्शन है, यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना है, आपको पासवर्ड डालना है, फिर आपको कन्फर्म पासवर्ड करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स और कंडीशन पर क्लिक करके साइन अप करना। तो मैं ये तीनों चीज़ें डाल लेता हूँ। तो मैंने तीनों चीज़ भर के अब क्या करता हूँ साइन अप करता हूँ, यहाँ पर टिक कर लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पर साइन अप के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ प्रोसेस लेगा, इसके बाद ये देखिए इस तरह का ओपन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये कम्प्लीटली यहाँ पर फर्स्ट टाइम ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपका नेटवर्क स्पीड है तो जल्दी हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये ओपन हो चुका है, इसके बाद यहाँ पर आपको मेल भी इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अब इसका KYC को करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरा मेल आया है, चेक योर इनबॉक्स फॉर वेरिफिकेशन मेल। तो आपको करना है क्या, वहाँ पर जाना है आपकी ईमेल पे और आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर अंदर आने के बाद देखिए जिसे आप ईमेल खोलेंगे आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, 15 मिनट के अंदर ईमेल को वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप वेरीफाई करेंगे कैसे, इस पर क्लिक करते हैं वेरीफाई ईमेल पे। तो जैसे वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेंगे फिर क्रोम पे जाएंगे, तो यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिख जाएगा, आपका क्रोम ओपन हो जाएगा वजीरेक्स पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हो चुका है, योर ईमेल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन अप ना, तो साइन अप हमने कर लिया है। अब हम क्या करेंगे लॉगिन करेंगे, यहाँ पर हो चुका है, अब ये साइन अप हो चुका है। अब हम अपने चलते हैं उसी एप्लीकेशन पर, यहाँ पर आके बाकी काम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए जैसे आप वहाँ पर वेरीफाई कर देंगे वहाँ पर जाकर, इसके बाद आपको हट जाएगा और आपको इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर करना है, यहाँ पर मोबाइल SMS कर लीजिए, नन मत कीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर क्या कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डाल लीजिए। तो मैं अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सेंड OTP क्लिक करना है। तो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखिए आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा जिसको आपको यहाँ पर फिल करना है। देखिए हमारा यहाँ पर आ चुका है OTP, उसको डाल लेते हैं। ये जो मेरा OTP है 6521 6521, देखिए आपको 30 सेकंड के अंदर इसे डालना होगा। मेरा थोड़ा लेट सा है फ्रेंड, लेकिन इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब जैसे नेक्स्ट करते हैं सिक्योरिटी सेटिंग अपडेट हो गया, इस पर आप ओके कर दीजिए। हमने इस पर ओके कर दिया तो हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब इसका थर्ड स्टेप में आपको अपना यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपको अपना कंट्री यहाँ पर इंडिया में सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको विदाउट KYC के लिए यहाँ पर करना है, ये आपको यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन आपको करना है KYC, क्योंकि विड्रॉल लेने के लिए आपको KYC करना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे वाले में कम्प्लीट KYC का यहाँ पर ऑप्शन है, इस पर आपको कम्प्लीट KYC पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखा कि इसमें सारे आपको डेटा फिल करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आपसे मांगा जाएगा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस डालेंगे, स्टेट डालेंगे, सिटी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे, पैन कार्ड का नंबर डालना है, इसके बाद पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना है। पहले से आप इसको फोटो क्लिक कर लीजिए, उसके बाद PDF या JPG के फॉर्म में रख लीजिए, और उसके साइड को आप यहाँ पर धीरे कर लीजिएगा, ठीक है, कम कर लीजिएगा, साइड को रिड्यूस कर लीजिएगा, उसके बाद अपलोड कीजिएगा। इसी तरह यहाँ पर आधार कार्ड का यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर कुछ और भी है लेकिन आधार कार्ड ही अमूमन आदमी सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, यहाँ पर फ्रंट आधार कार्ड का फोटो, और फिर यहाँ पर क्या कीजिएगा बैक आधार कार्ड का फोटो, और फाइनली आपको एक सेल्फी लेना है अपने आधार कार्ड के साथ। तो हम सभी इन चीज़ों को पहले फिल कर देते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रेंड्स, मैंने अपने सारे डिटेल्स इसमें फिल कर लिए हूँ, आप ही इसके अच्छे सावधानी से उसको पूरा फिल कर लीजिए।
इसको मैंने करने के बाद आपको यहाँ पर अपने फोटो वगैरह डालने पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर पैन कार्ड आधार कार्ड का फोटो खींच लीजिए, और पैन कार्ड का सिर्फ आपको फ्रंट कार्ड डालना है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आधार कार्ड जो डालेंगे, यहाँ पर आप आधार कार्ड का बैक और फ्रंट दोनों यहाँ पर देखिए मैंने डाल चुका हूँ। और तीसरे में आपको क्या करना है, आपको अपलोड सेल्फी विद होल्डिंग योर आधार कार्ड, आपको आधार कार्ड को पकड़ के आपको सेल्फी लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने अपलोड कर दिया हूँ इसको, मैंने पकड़ के आधार कार्ड पकड़ के। इसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट फॉर वेरिफिकेशन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर कुछ यहाँ पर प्रोसेस लेगा, टाइम लेगा यहाँ पर थोड़ा सा। तो जैसे वो प्रोसीड होगा इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, इसमें आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, हर चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर बैक करना है, आपका यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए आपको यहाँ पर मेल भी आ गया होगा, आप अपना मेल चेक कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, और एक प्रोसेस आपको बाकी है, आपको आना है इस फंड वाले सेक्शन पे, लास्ट वाले। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट ऐड करना, तभी आप यहाँ पर ले पाएंगे, विड्रॉल कर पाएंगे अपने बैंक में। यहाँ पर आने के बाद ऊपर में आपको दिख रहा है INR रुपये, इस तरह रुपये में चाहिए, इसलिए इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। इस पर आपको क्या करना है, डिपॉजिट के सेक्शन पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप डिपॉजिट के सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर फिर से कुछ प्रोसेस लेगा, यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। इसमें आपको अपना अकाउंट नंबर फिर से डालना है, IFSC कोड डालना है, इसके बाद अकाउंट किस टाइप का वो डालना है, सबमिट कर देना। तो मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने तीनों चीज़ें यहाँ पर डाल चुका हूँ। इसके बाद मेरे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग पर रहने देता हूँ, अगर आपका करंट अकाउंट है तो करंट डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर सबमिट कर दीजिए। आप यहाँ पर जैसे यहाँ पर फाइनल कन्फर्मेशन करने के लिए यस सबमिट कर दीजिए, ठीक है। अगर फाइनल नहीं है यहाँ पर फिर आपका देखिए OTP मांगा जाएगा, इसीलिए यहाँ पर OTP कन्फर्मेशन बहुत जरूरी है हर एक विड्रॉल के लिए, ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। यहाँ पर आ चुका है तो हम डाल देते हैं 176493, ठीक है। इसको हम डाल देते हैं 493। यहाँ पर आप यहाँ पर ये कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए पेमेंट ऑप्शन एडेड सक्सेसफुली, अब आपका पेमेंट सक्सेसफुली यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब जब भी आप यहाँ पर डिपॉजिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, यहाँ पर इजीली आप कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होगी। तो ये चीज़ कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप यहाँ से इजीली विड्रॉल कर सकते हैं अपने इंटरनेशनल पेमेंट को। और अगर आपको कोई दिक्कत आई है तो कमेंट कीजिए, या फिर आप कॉइन स्विच ही यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी वीडियो बनाएंगे, उसके लिए भी कमेंट कीजिए, उस पर भी एक वीडियो बना देंगे अगर आप चाहें तो। तो आज की इस वीडियो को बस यहीं पर हम समाप्त करते हैं, और हम आपसे फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।